सुल्तानपुर पहुंचा पीएम मोदी का खत, मुस्लिम युवक के नाम पर आई है चिट्ठी। चिट्ठी आने से परिवार में खुशी का माहौल, पीएम मोदी ने युवक को किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने सुल्तानपुर के एक मुस्लिम युवक को खत लिखा है, जो कि डाक के जरिए युवक के घर भी पहुंच चुका है। इस खत में पीएम मोदी ने खुद मुस्लिम नौजवान का शुक्रिया भी अदा किया है, जिसके बाद से युवक के परिवार में खुशी का माहौल है। तो वही पूरे जिले में ये खत चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आपकी स्क्रीन पर चल रही ये वही चिट्ठी है जिसे पीएम मोदी ने खुद सुल्तानपुर के रहने वाले नौजवान रजी अहमद हाशमी के नाम पर लिखा है। ये चिट्ठी आने के बाद से नौजवान फूला नहीं समा रहा है। इस चिट्ठी के मजमून की बात करें तो इसमें लिखा है कि श्री रजी अहमद हाशमी जी, जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका स्नेहिल संदेश पाकर मैं अभिभूत हूँ। देशवासियों से निरंतर मिलने वाले अपार स्नेह को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रति आपका ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे देश की सेवा में दिन रात खुद को खपाने की ऊर्जा देती है। आज़ादी के अमृत काल में 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से उर्जित देश एक भव्य व विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे सामूहिक प्रयास निश्चित रूप से राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। ईश्वर से आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और मंगल की कामना करता हूं। आपका नरेंद्र मोदी। दरअसल 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन होता है। इस मौके पर सुल्तानपुर जिले के खैराबाद में रहने वाले रजी अहमद हाशमी ने पीएम को खत लिखा था। इसमें उन्होंने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसी खत का जवाब देते हुए पीएम मोदी की ओर से ये चिट्ठी आ गई। यूं तो पीएम मोदी को रोजाना हजारों खत लिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही खत के जवाब आते हैं, जिसमें सुल्तानपुर के रजी अहमद एक हैं, जिन्हें खुद पीएम मोदी की तरफ से जवाब आया है। ये खत आने के बाद से रजी के परिवार में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वही ये खत पूरे जिले में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।